साइड हमें मिले हैं जो पेपर दे के निकले हैं और इनके चेहरे से ये आयास हम लगा रहे हैं पेपर इनका अच्छा रहा होगा। तो बताएं सबसे पहले कहाँ से पेपर देने हैं और क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण है, मैं हिसार से आया हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से यानी आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, सीधी सीधी बात है। अच्छा ये बताएं कितना करके अटेम्प्ट कितना करके है? 118 प्लस। अच्छा अगर हम बात करते हैं मैथ की तो मैथ में क्या पोर्शन ज्यादा देखने को मिला? जैसे 23 की मीटिंग में और 24 फर्स्ट में सभी चैप्टरों से आ रहा था, यहाँ सभी चैप्टरों से देखने को मिला। अच्छा हिंदी का कैसा रहा? हिंदी में ठीक था। अच्छा अगर हम बात कर लेते जीएस की तो जीएस में सभी जगह से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा जो कि यूपी के एग्जाम में भर के आता था, तो इस बार क्या रहा इस पेपर है? सर एक दो प्रश्न यूपी के। अच्छा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछा गया? हिस्ट्री में नहीं आया। पॉलिटी से बात करते तो पॉलिटी से है। अगर बात कर लेते हैं पॉलिटी मानवाधिकार स्टैटिक में, मानवाधिकार से जीएसटी से विमुद्रीकरण से एक एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा, तो यहाँ कैसा देखने को आ रहा है सर? एक एक क्वेश्चन आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये विद्यार्थी हमारे साथ मिले जिन्होंने बताने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पेपर थोड़ा सा ठीक नहीं जाता है तो बताने का प्रयास नहीं करते। हालांकि एक आध जन से और मिलने की बात करते हैं। पानी बरस रहा है बराबर। अब देखते हैं किसी एक आध जन से पेपर दे के आए हो, कैसा रहा रिव्यू बताना चाहेंगे? आओ साइड में आओ जा। तो नाम क्या है? गजेंद्र। गजेंद्र लीजिए, ये हमारे ही नाम के मिल गए बंधु जी। अच्छा कहाँ से आए? हरियाणा। हरियाणा से। ये भी आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कितना अटेम्प्ट करके आए हो? अटेम्प्ट तो 150 120 अटेम्प्ट करके आए। 150 का तो भाई आना ही है पेपर, ये तो आपको क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा मैथ्स का पोर्शन कैसा रहा ये बताएं? मैथ्स का पोर्शन बेस्ट ऑफ मैथ रहा, मतलब बेस्ट रहा कि कुछ है जो आउट ऑफ सिलेबस भी है। आउट ऑफ सिलेबस भी? आउट ऑफ सिलेबस भी है, आउट ऑफ मतलब माइंड भी जा रहे हैं बच्चों के। अच्छा बात कर लेते हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा कहाँ पे पूछा गया? सबसे ज्यादा पूछा गया कि इस प्रॉफिट एंड लॉस पर, प्रॉफिट एंड लॉस मॉर्निंग की शिफ्ट में भी बहुत ज्यादा पूछा गया था। अच्छा बात करते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु, ये आयु के बारे में और नॉर्मल रीजनिंग जैसे कि चाचा ताऊ वाले, ये क्वेश्चन यानी कुल मिला के बेस रेशन के लिए हमने मैसेज आपको दिया था। हम बिपिन बिहारी से लाइव थे आपके सामने मॉर्निंग की शिफ्ट में, वहां पे बच्चे ने बताया कि ब्लड रेशन को पढ़ के जाइए और यहाँ इन्होंने बता दिया ब्लड। अगर बात कर लेते कुछ बताने का प्रयास किया, एक आध जन से और बात करने का प्रयास करते हैं, जीएस में निकालने का प्रयास करते हैं आखिरकार किस टॉपिक से क्या पूछा गया। एक आध जन से और बात करेंगे। संदीप, संदीप जी कहाँ से आए पेपर देने? और भाई यानी यूपी से ही पेपर देने। संदीप पूरा नाम क्या लिखते? संदीप काबले। एससी ओबीसी जनरल कहाँ काउंट होते हैं? एससी में काउंट होते। अच्छा अगर हम बात ये करेंगे तो पेपर में अटेम्प्ट कितना करते हैं? 75% अच्छा ठीक, कुल मिला के अगर हम बात करते हैं ये 75% अगर कुल का बोले तो 75% ये करके आए पेपर। अच्छा जीएस में सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा गया? सबसे ज्यादा अगर बात करते तो इनका कहना है राजनीति से पूछा गया यानी पॉलिटी से पूछा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कर लेते तो यहाँ से क्या बर्डन रहा उत्तर प्रदेश? चलिए इन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया। हालांकि सबको जाने का पड़ता है कि अब जल्दी से टैक्सी पकड़े क्योंकि बाहर के बच्चों का सेंटर रहा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेंटर पे। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे देखिए बच्चे तो खूब सारे हैं लेकिन अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अब ये होड़ होने लगी। बच्चे अभी भी निकल रहे हैं, एक बार से बात करते हैं लेकिन थोड़ा सा हम ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं अगर कोई बच्चा एकदम एक्यूरेट बता दे या जीएसटी आखिरकार पूछा कहाँ से गया है। मैथ्स में तो बताने का प्रयास किया, हिंदी भी ठीक आ रहा है, रीजनिंग में भी ठीक आ रहा है, ब्लड रेशन से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक आध जन से और बात करेंगे, जीएस का निकलवाने का प्रयास करते हैं कहाँ का पूछा। तो ये बताए नाम क्या? अलका। कहाँ से आए पेपर देने? यूपी जिला जालौन। जालौन से पेपर देने के लिए आए। झांसी की बच्चियों का सेंटर जालौन गया है और जालौन से इधर सेंटर आया है तो उसके चलते पेपर देने। अच्छा अगर बात कर लेते पेपर में क्या अटेम्प्ट कितना करें? मतलब 70% तो 70% पेपर करके आई। अगर हम बात करें जीएस, वैसे मैथ्स का मैंने ले लिया, रीजनिंग का भी बच्चों से निकलवाने का प्रयास किया, हिंदी और जीएस का थोड़ा सा निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। पूछा कहाँ से है?
अगर जीएस की बात कर ले तो सबसे ज्यादा कहाँ से लगा के क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन ना 2017 से और पूछे गए हैं। अच्छा स्टैटिक में बात कर ले तो जीएसटी से कोई क्वेश्चन आया? जीएसटी से नहीं, नहीं आया। विमुद्रीकरण नोटबंदी से कोई क्वेश्चन आया? नहीं आया। अच्छा बात करते पुस्तक लेखक से कोई क्वेश्चन आया? पुस्तक लेखक से हर पेपर में एक क्वेश्चन मिल रहा, किसी देश की राजधानी आई? नहीं नहीं, इस पेपर में देश की राजधानी इनके द्वारा ये कहना है कि नहीं आई। हालांकि तीन पेपरों में हमने ये देखा, मॉर्निंग की शिफ्ट में तो दो देशों की राजधानी हमसे पूछ ली, एक तो बगल वाली देश की राजधानी पूछ लिया था, एक जर्मनी की राजधानी पूछ लिया। हालांकि इस पेपर में राजधानी देखने को नहीं मिली, ऐसा कहने का है। हालांकि पेपर का एनालिसिस हम कराते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप आते हो हमारे साथ लाइव, हम फिर कराएंगे। अच्छा ये बताइएगा ज्यादा कहाँ से थोड़ा सा लोग बात कर रहे थे इनसे, थोड़ा सा निकलवाना चाहते हो। जीएस का पेपर देखा है ना, जीएस में सबसे ज्यादा कहाँ से पूछे? जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे? पेपर दे के आया, पेपर में जनरल नॉलेज भी आया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे? हाँ, कौन सा टॉपिक ऐसा था जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे? अगर आपको कोई समझ में आ रहा है, याद आ रहा तो आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये मैसेज जो हम वीडियो बनाते हैं, यानी कल जो पेपर देने के लिए जाएंगे उनको एक मैसेज मिलेगा। अगर कोई जीएस में याद आ रहा हो तो जहां से पूछ लिया ज्यादा वो बताने का प्रयास करें। नहीं अब चलिए, ये पेपर में जीएस का थोड़ा सा निकलवाने का प्रयास हमने किया है, कहां से क्या पूछा है, तो थोड़ा थोड़ा हमें मैसेज मिलने का प्रयास किया। जैसा पूछा जा रहा था पेपर, पेपर हूबहू वही है, कहीं इधर उधर नहीं है, ना बहुत ज्यादा बर्डन बहुत दे रहा। रीजनिंग में ब्लड रेशन पहले भी बहुत ज्यादा आया था, तो इस बार भी पेपर में आया। एक आध बच्चे से और बात करते, हो सकता है कोई जीएस के बारे में बताने का प्रयास करे, बोले हम ये पूछना चाहते हैं। चालू कर, नाम क्या है? अच्छा पेपर कहाँ से देने आए? मैं बिहार से देने आया। बिहार से लंबी दूरी तय करके पेपर देने आए, कैसा रहा पेपर? पेपर एवरेज और थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, थोड़ा वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, लुसेंट वगैरह से लेके आया था। हाँ। और एक से दो क्वेश्चन साइंस से देखने को मुझे, ज्यादा क्वेश्चन साइंस का था, जैसे कि हम कई सारे एक से दो क्वेश्चन साइंस के उत्तर प्रदेश स्पेशल। हाँ। यूपीजी के से कितने सवाल आए? सर लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन यूपीएस स्पेशल से नहीं आया, मॉर्निंग में भी नहीं आया। चलिए और पॉलिटी से बोले तो, पॉलिटी से सर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, 4 से 5 यानी पॉलिटी को बढ़ा दिया। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से सर 4 से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 4 से 5। अच्छा बात करते जीएस में सबसे ज्यादा क्या? सर जीएस में सबसे ज्यादा कहेंगे तो पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके पॉलिटी, करंट अफेयर का क्या रोल था? करंट अफेयर भी नहीं आया। करंट एक दो क्वेश्चन जो पुस्तक के नए लेखक है, पुस्तक के लेखक बराबर वो पूछ रहा है, हर पेपर में पूछ रहा है कि देश की राजधानी से कोई क्वेश्चन नहीं सर, जीएसटी से कोई क्वेश्चन? जीएसटी से विमुद्रीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं सर, कृषि से कोई क्वेश्चन? हाँ कृषि से सर एक आध क्वेश्चन, जो कृषि के जो उत्पाद क्या है, दिवस से कोई क्वेश्चन? दिवस कोई दिवस पूछा गया? दिवस से 2 क्वेश्चन आए, दिवस से 2, यानी हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं दिवस, दिवस से 2 क्वेश्चन पूछे। अच्छा करंट अफेयर का भी ठीक ठाक रोल था? सर पर आगे जो बच्चे एग्जाम देंगे उनको मैं कहूंगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए। एक मैसेज कल के लिए, कल के लिए एक मैसेज, उसके बाद 30 और 31 का पेपर होगा, तो कल वाले बच्चे बिहारी बाबू से एक मैसेज चाहेंगे जो कल आप पढ़ के क्या जाएं, जिससे एक आध 2 नंबर 4 नंबर हो सकता है आपसे ज्यादा बन जाए। क्या पढ़ के जाए सर? करंट अफेयर में सर जैसे युद्धाभ्यास हो गया, नए पुस्तक के लेखक है, वैसे सूचकांक क्या है, ये सब पढ़ना जरूरी है सर। सूचकांक यानी करंट अफेयर में, करंट अफेयर के तौर पर जो स्टैटिक जीके वाले पात्र रहते हैं वो आप पढ़ के जाइए। ढेर सारा धन्यवाद आपका, आपने जो रिव्यू दिया, ठीक है साथियों। तो हम लोग कल फिर एनालिसिस करेंगे आपके मॉर्निंग की शिफ्ट का और इवनिंग वाली शिफ्ट का, दोनों का। तो यानी यहाँ से मैसेज निकल के आया जीएस में, देखो आप रीजनिंग आप देख रहे हैं, एवरेज आ रहा, मैथ्स आप देख रहे हैं सबसे सभी टॉपिकों से पूछ रहा, हिंदी में बहुत ज्यादा हिसाब किताब आ नहीं रहा, आप बना नहीं पा रहे हो, समस्या हो रही, स्कोर कहाँ गिर रहा जीएस में। तो जीएस निकलवाने का कोशिश किया, कहाँ कहाँ से आप पढ़ते जाएं, और बच्चे ने आपको मैसेज दिया है कि आप ये टॉपिक तैयार करके जाएं। तो ढेर सारा धन्यवाद सभी को, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना सभी को, जिससे जो बच्चे आने वाले अभी दिनों में पेपर दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्कोर इस वीडियो को देखकर, टॉपिक 22 देखकर जीएस को पढ़ के जाएं और अपना पेपर अच्छे से कर लें और एक
वर्दी का जो सपना है, सबका सपना है जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो हो सकता किसी का सार्थक हो जाए। ढेर सारा धन्यवाद।